असलकम स्टूडेंट्स अब तक के मॉड्यूल्स में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सोशल एंटरप्रेन्योर्स के कंट्रीब्यूशन के हवाले से हेल्थ एजुकेशन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क पर बात की आज हम जिस गोल के हवाले से बात करेंगे इस सेशन में वो हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्लोज़र टू होम है दैट इज़ लाइफ ऑन लैंड जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान जैसे फेस कर रहे हैं फॉर तो एग्ज़ाम्पल अभी सैलाब जिससे हम पूरी तरह से नबरदाज़मा भी नहीं हो सके ये शॉर्ट टाइटल है लाइफ ऑन लैंड जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 जो है उसमें 12 टारगेट्स हैं जिसमें डिफॉरस्ट्रेशन को रोकना डेजर्टिफिकेशन को रोकना बायोडावर्सटी को बचाना क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन करना और इस तरह के दूसरे टारगेट्स शामिल हैं यूएन के मुताबिक दुनिया का तकरीबन तीस फीसद हिस्सा जो है वो फॉरेस्ट पर मुश्तम है और फॉरेस्ट जो हैं वो हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं जिसमें फूड की प्रोविजन से लेकर जो रॉ मटेरियल्स हमारी इंडस्ट्रीज़ और हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं वो और ये शेल्टर देते हैं मुख्तलफ़ स्पीशीज़ को के इंडिजनस पॉपुलेशन को पॉर्स का एक ज़मीन के ऊपर एक खास प्रपोर्शन होना जो है वो ज़रूरी है अगर उसमें कमी आ जाएगी तो दरअसल पूरा प्लानट अर्थ जो है वो डेवस्टेशन का शिकार हो जाएगा जिसका एक अमली मुजाहरा हमने पिछले दिनों पाकिस्तान में एक्सपीरियंस किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फिफ्टीन इज अवज गोल जैसे कि पूरे क्लाइमेट को एक तरह से कंट्रोल करना या उसमें जो नेगेटिव चेंजेस आ रही हैं उनको स्लो डाउन करना या रोकना जो है वो किसी एक कम्युनिटी किसी एक मुल्क या किसी एक एंटरप्रेन्योर के करने का काम नहीं है दरअसल ये एक तरह से वे ऑफ लाइफ वे ऑफ बिजनेस हमारे लिए होना चाहिए कि किस तरह हम अपने रिसोर्स को इस्तेमाल करें कि आज हम जो अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरियात के लिए उन रिसोर्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से जो गोल 15 है वो दरअसल बाकी सारे गोल से रिलेटेड है फॉर एग्ज़ाम्पल इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत हद तक डिपेंडेंट है कि आप अपने रिसोर्स जो हैं ख़ासतौर पर नेचुरल रिसोर्स उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसी तरह ह्यूमन हेल्थ और वेल बीइंग जो है वो डिपेंड करती है इस तरह के फैक्टर्स पर जैसे क्लाइमेट चेंज है जैसे ग्लोबल वार्मिंग है और उसके नतीजे में आने वाली जो दुनिया में तब्दीलियाँ हैं उनको पॉपुलेशन जिस तरह से एक्सपीरियंस करती है उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं ये सब चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 में आ जाती हैं इस लिहाज से सोशल एंटरप्रनोर्स अगरचे पूरे क्लाइमेट चेंज को तो नहीं कंट्रोल कर सकते वो पूरी दुनिया में एक लाइफ जो है पूरी दुनिया की ज़मीन के ऊपर प्लेनेट अर्थ के ऊपर उसको सेव नहीं कर सकते लेकिन अगर जैसे मैंने कहा उसको एक वे ऑफ लाइफ और वे ऑफ बिजनेस बना लिया जाए तो ये मुमकिन है सोशल एंटरप्रेन्योर्स उसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और एकोसस्टम्स जो हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं सोशल एंटरप्रन्योसिस्टम से रॉ मटेरियल्स प्रोविजनिंग सर्विसेज जैसे कि फूड है जैसे लकड़ी है पानी है इस तरह के दीगर रॉ मटेरियल्स हैं ना सिर्फ वो हासिल करते हैं बल्कि जो रेगुलेटरी सर्विस हैं कि हम क्लाइमेट में जो हमारे एनवायरनमेंट में रिसोर्स हैं उन्हें किस हद तक कितना और किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये चीज़ें भी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से डायरेक्टली रिलेटेड हैं एस टी जी फिफ्टीन जितना गोल है उसी हिसाब से सोशल एंटरप्रेन्योर्स ने इनोवेशंस की हैं एक एग्ज़ाम्पल जो पाकिस्तान के लिए बेहद रेलिवेंट है ये जो हम हाउसिंग सोसाइटीज़ में सारी ज़मीन इस्तेमाल करते जा रहे हैं और फिर रोते हैं कि गंदुम का आटा मैसर नहीं है इसके एक इनोवेशन जो है वो लंदन में हुई है लंदन में जो दूसरी जंग अज़ीम में पना गाहें अंडरग्राउंड बनाई गई थी वहाँ पे फूड ग्रो की जा रही है सैलड्स सब्जियाँ इस तरह की चीज़ें उन टनल्स में ग्रो की जाती हैं तकरीबन ये कोई तीस मीटर ज़मीन के अंदर की मैं बात कर रही हूँ पुराने कापट्स को गीला करके उनमें बीज डाल के वहाँ पे फल सब्जियाँ उगाए जा रहे हैं जो कि शहरी इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तानियों को अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 15 को अचीव करने के लिए इसी तरह के इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है थैंक यू